राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख बाल कृष्ण जी का निधन हो गया है। उन्होंने आज यानी मंगलवार को सुबह राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान लखनऊ में अंतिम सांस ली। श्री बाल कृष्ण जी के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर राजेंद्र नगर स्थित भारतीय भवन लखनऊ में सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक रखा गया था, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार जी ने स्वर्गीय बालकृष्ण जी के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बालकृष्ण जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित व व्यक्ति निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उनके निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्री मोहन भागवत जी और सर कारवा दत्तात्रेय होसबाले जी ने गहन शोक व्यक्त किया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। बालकृष्ण जी का जन्म 5 मार्च 1937 को कानपुर देहात की कंठीपुर ग्राम पंचायत में हुआ था। उनके पिता का नाम मुन्नूलाल त्रिपाठी और माता जी का नाम शांति देवी था। इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से एमकॉम करने के बाद कानपुर में ही एलगन मिल में अकाउंट मैनेजर पद पर कार्यरत थे। उसके बाद कानपुर के तत्कालीन विभाग प्रचारक अशोक सिंघल जी से प्रेरित होकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1962 में संघ के प्रचारक बनकर राष्ट्र हित में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। श्री बालकृष्ण जी ने अपने जीवन काल में तहसील प्रचारक बिल्लौर, नगर प्रचारक कानपुर, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत शारीरिक प्रमुख, सह प्रांत प्रचारक अवध प्रांत, संयुक्त क्षेत्र संपर्क प्रमुख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख आदि महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। आपातकाल के समय भी इन्होंने कानपुर में भूमिगत होकर सक्रिय रूप से काम किया। बालकृष्ण जी ने एक सच्चे स्वयंसेवक के रूप में उच्चतम आदर्श स्थापित किए। वर्तमान में उनका केंद्र भारतीय भवन लखनऊ था। भारतीय समाज और संघ परिवार बालकृष्ण जी के योगदान को हमेशा याद रखेगा।